हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला है कि आप अपने फ़ोन में अलार्म सेटिंग कैसे इनेबल करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड, आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ़ोन में, क्लॉक क्लॉक पे क्लिक करेंगे। क्लॉक पे क्लिक करने के बाद में स्पीकर का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से अपने फ़ोन में अलार्म सेटिंग इनेबल करना है। तो आप अपने फ़ोन में जितने टाइम का अलार्म सेट करना चाहते हैं, आपको यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर लेना। जितने टाइम का आपको अलार्म लगाना है, आप यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से आपको टाइम सेलेक्ट करने के बाद में ऑप्शन देखने को मिल जाता है PM AM। तो आपको जो भी रखना है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना जो भी रखना है अपने फ़ोन में, अपना टाइम, आपको टाइम सेलेक्ट कर लेना। टाइम सेलेक्ट करने के बाद में PM AM जो भी रखना है अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा रिंगटोन का। तो आप जैसे अपने फ़ोन में अलार्म की रिंगटोन चेंज कर लेंगे, जैसे जो भी रखना आप इस प्रकार अपने फ़ोन के अलार्म की रिंगटोन चेंज कर लेंगे। यहाँ से आपको बेक होना और इस प्रकार अपने फ़ोन में अलार्म सेटिंग नहीं भी करेंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। आपको फोन में अलार्म सेटिंग जो है वो आपका अलार्म जो है वो आपका इनेबल हुआ। इस अलार्म सेटिंग इनेबल करेंगे। आई होप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर लाइक हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।